and look at life now on positively. This time that we have got, let's value it. Let's spend it with our loved ones. And really, I feel this is the gift of God. Mian, come. Aaj, Vian bhi dikhayenge aapko. Hum Om chanting karenge aaj. Vian, aap karenge mere saath. ठीक है, तो बियान और मैं ओम चांटिंग भी करते हैं, तो बियान आज हम आपको दिखाएंगे कि ओम चांटिंग कैसे करते हैं. ठीक है, तो हम करेंगे 7 बार फॉर ईच वन ऑफ आवर चक्रास. ठीक है, गेट इनटू ज्ञान मुद्रा, टेक अ डीप ब्रेथ इन. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. आत्म नमस्ते फ्रॉम मी. एंड आई वुड से अ बिग थैंक यू टू राज माय हस्बैंड फॉर अरेंजिंग दिस एंटायर थिंग, क्योंकि आज और कोई आके हमारे लिए सब सेटअप नहीं कर पाए. बट आई होप यू गाइज एंजॉय लाइफ. एंड लास्टली आई जस्ट लाइक टू से, व्हाट आर वी सपोज्ड टू से, वियान स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय. लाइव ऑन इंस्टा, ऑन हेलो, ऑन फेसबुक एंड ऑन द शिल्पा शेट्टी ऐप. हाय, आई एम शिल्पा शेट्टी कुंजा एंड द मोमेंट हैज अराइव्ड. वेल, मोस्ट पीपल रियली डोंट नो व्हाट टू डू विद देमसेल्व्स, कि हम घर पे जनता कर्फ्यू के दिन क्या करें. तो आज मैं आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए. बहुत कम लोग अभी तक जुड़े हैं मेरे साथ, तो मैं थोड़ी सी आई थिंक 5 मिनट पहले ही लाइव गई हूँ, ताकि लोगों को पता चले. प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को बोले कि आई हैव कम ऑन लाइव, आई विल बी विथ यू लाइव फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर. एंड आई होप कि आज के दिन, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 बजे हम अपनी सॉलिडारिटी दिखाएं, हम थैंक यू कहें, जिस तरीके से उन्होंने बताया, आइदर विथ क्लैप्स और यू नो मेकिंग सम काइंड ऑफ साउंड टू शो दैट यू हैव ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट फॉर ऑल आर हेल्थ प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. मैं तो करने वाली हूँ, तो आई होप आप भी करें अपने बैल्कनीज पे खड़े रह के, दरवाजे पे खड़े रह के. That's one small way of saying thank you. So I really am excited to share what I do in my life. Abhi tak 5 baje nahi hai, 4 baje nahi hai. Sorry. But honestly, agar kaha jaye to mere liye to har din Sunday ki tarah hi hai. So I am quite happy. Nayi maa bani hu main, to itna zyada waqt mil raha hai mujhe mere dono bachcho ke saath, family ke saath.
और हम हमेशा कंप्लेन करते हैं या बोलते हैं कि काश हमारे पास वक्त होता और काश हम ये कर पाते, अगर वक्त होता तो वो वक्त आ गया है. एंड सेइंग दैट लेट मी गो बैक ऑन माय मैट. आज ये जो लाइव फीड है इसमें मदद कर रहे हैं मेरे पति और मेरे बेटे मियान, और हम सब कुछ अपने आप ही कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए. बिकॉज हेल्थ मेरे लिए बहुत बहुत अहमियत रखता है और मुझे लगता है कि बहुतों के लिए हेल्थ के जो मायने हैं वो थोड़ा सा मुझे लगने लगा है कि जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं आता हम हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते, हम अपने हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते. तो वाइल हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता था कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, पढ़ के हम भूल चुके हैं, लेकिन वी रिलाय मोर ऑन क्योर देन प्रिकॉशन. तो मेरे लिए योगा इज काइंड ऑफ अ प्रिकॉशन, इट्स अ साइंस दैट हेल्प्स मी कीप माई इम्यूनिटी हाई, हेल्प्स मी फील स्ट्रॉन्ग, हेल्प्स मी फील अलाइव. एंड इट्स द ओनली फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दैट स्ट्रेंथन्स यू, टोन्स यू, आपको फिट रखता है मेंटली और फिजिकली, अंदर से और बाहर से भी. तो चलिए 4 बज गए हैं शाम एंड मैं वादे की पक्की हूँ. तो आज बहुत ही सिंपल तरीके बताऊंगी जो मैं जैसे मैं अपनी जिंदगी को जीती हूँ. आई वॉन्ट टू शेयर दोज टिप्स योगा के अलावा भी, तो मैं कुछ टिप्स आपको दिखाना चाहूंगी और देना चाहूंगी. शेखर दे दीजिए मुझे माय सीक्रेट बॉक्स. तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ डू यू हैव ऑल दिस एनर्जी, टच वुड गॉड्स ग्रेस. आई से दिस, जिंदगी में सब कुछ बहुत आसान है, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है. तो आई जस्ट लिव माई लाइफ ऑन द साइंस ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा. एंड ये है मेरा मैजिक बॉक्स जिसमें मैं रोज सुबह सबसे पहले, ये घी है, प्योर देसी घी. ओके, व्हेन यू ओपन इट यू कैन स्मेल इट. और ये है हल्दी, ये है सॉल्ट, पाउडर्ड जिंजर पाउडर, ठीक है, पाउडर्ड जिंजर रूट क्या बोल रही हूं मैं, एंड दिस इज पेपर. ठीक है, तो मैं क्या करती हूं, मैं एक टेबलस्पून जो है घी लेती हूँ सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक पे, खाली पेट घी लेती हूँ. उसमें ये मेरे बेडरूम से लेके आया है मेरे लड़के ने ये बॉक्स, तो मैं ऐसे ही लेती हूँ. आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सॉल्ट का पाउडर और क्वार्टर एक पिंच पेपर का लेती हूँ, साथ में इसे मिला देती हूँ. मैं क्या करती हूँ, अपने चम्मच को ना गरम पानी में, बहुत गरम गरम पानी में डाल देती हूँ, तो चम्मच क्या है गरम हो जाता है तो घी ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाता है. तो इसे मैं मिक्स करती हूँ और इसे मैं खाती हूँ. अभी मैं खाऊंगी नहीं आपके सामने क्योंकि अभी योगा करना है, बट इसे अगर आप खाली पेट ले सुबह सुबह बिल्कुल इसके बाद यू टेक अ सिप ऑफ वार्म वाटर, तो क्या हो जाता है, इट लाइन्स योर इंटेस्टाइन्स. घी में बहुत कमाल की क्वालिटीज होती है, इट्स गॉट ब्यूट्रिक एसिड, सो इट प्रिपेयर्स योर इंटेस्टाइन एंड इट काइंड ऑफ मेक्स योर माउथ सैलिवेट, योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट गेट्स इट, यू नो, गेट्स रेडी विद इट्स डाइजेस्टिव जूसेस टू डाइजेस्ट ऑल द फूड दैट यू गोना पुट इनटू इट. तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अलाइव रखता है, किकिंग रखता है, एंड इट रियली हेल्प्स यू किक स्टार्ट योर डे. तो शेखर जी ये लेकर जाइए, ये हुआ एक नुस्खा. और ये गिलोई, गिलोई का रूट है
ये कहीं पे भी मिल जाता है अगर आप एक्चुअली स्पेशल वेंडर्स दैट गेट इट. ये फ्रेश गिलोई है तो इसका क्या है, ये इतना पीस मैं लेती हूँ सुबह सुबह और इसके ऊपर का हिस्सा जो है उसको स्क्रेप कर देते हैं और उसको थोड़ा सा मैश करते हैं एंड आई बॉइल इट फॉर 15 मिनट्स. तो बिल्कुल मेरे घी और टर्मरिक के बाद इसका मैं चाय पीती हूँ. सो इट्स लाइक अ ग्रीन टी बट इट्स गिलोई टी. ठीक है, तो ये जो है ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वे पीपल आर सफरिंग विद लो इम्यूनिटी, अब करोना वायरस का जो डर है ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है. किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये पैंडेमिक इतना बड़ा हो जाएगा. सब कुछ रुक गया है, सब कुछ थम गया है. सो टू सेव गार्ड योर सेल्फ एंड फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, अगर आप ये दो चीजें शुरू कर सकते हैं और सिर्फ इस वक्त के लिए नहीं बट एज मे बी अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ इफ यू वॉन्ट बेटर हेल्थ. हाँ, मैं ये सारी चीजें अपने साथ लेकर जाती हूँ, आउटडोर पे भी लेकर जाती हूँ, मैं ट्रिप्स पे भी जाती हूँ तो भी मैं लेकर जाती हूँ, लेकिन ये मैं करती हूँ अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए. और मैं फिटनेस के लिए दैट एक्स्ट्रा माइल मैं चलने के लिए यू नो तैयार भी हूँ. तो ये आपके ऊपर ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं अपने हेल्थ के लिए. तो ये हुए मेरे ट्रिक्स एंड गिलोई इज रियली अ मैजिक रूट एंड इट हैज डन वंडर्स. मैं साइनस के साथ बहुत सफर करती थी और इसके बावजूद कि मैं बहुत योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, लेकिन इसके इंक्लूजन के बाद मुझे बहुत फर्क महसूस हुआ है. एंड एज यू नो द कोरोना वायरस अटैक्स योर लंग्स, ओके, और जो जिनकी इम्यूनिटी कम है स्पेशली पीपल हु आर अबाव 55, ये इंक्लूजन बहुत फर्क करेगी आपकी जिंदगी में. सो यू प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एबल टू have this and also encourage it with your family. तो चलिए, अब ये हुए मेरे नुस्खे और कुछ secrets. अभी ये तो अंदर वाली secrets थी, अभी बाहर की जो दिखाने वाली secrets है, मैं वैसे खुलासा करने वाली कोई बात है नहीं. We've got the Shilpa Shetty app, इसके द्वारा I've always wanted to reach out to all of you जो जिनको लगता है कि जिम जाने के लिए आपके पास वक्त नहीं है या आप ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकते या आप न्यूट्रिशनिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते. इट्स ऑल एनकम्पासिंग एंड यू कैन गो टू द शिल्पा शेट्टी ऐप, डाउनलोड इट, सब्सक्राइब टू इट. बहुत कुछ एक्चुअली फ्री भी है. नियरली 60% ऑफ ऑल दैट वी डू ऑन द शिल्पा शेट्टी ऐप इज फ्री. बहुत ही प्यार से बनाया है मैंने. योगा के अलावा भी स्ट्रेंथ, फिटनेस, पोस्ट प्रेगनेंसी वर्कआउट्स, डायबिटिक्स के लिए वर्कआउट्स, तो आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत कुछ है. और आज के दौर में जब आपकी मेड घर पे नहीं आएंगी आपके लिए खाना पकाने के लिए, और ये एक मजबूरी भी है लेकिन आई थिंक इट्स ऑल्सो बेटर फॉर योर हेल्थ एंड सेफ्टी. अगर आपको खाना पकाना नहीं आता, यू कैन गो टू द शिल्पा शेट्टी ऐप और यू कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल एंड आप रेसिपीज भी निकाल सकती है. क्योंकि ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड लाइक टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू कि इफ़ यू वॉन्ट गुड इम्यूनिटी एंड बेटर हेल्थ, प्लीज ईट वेल, ईट क्लीन. तो ये आपके खाने पर भी निर्भर है कि आप किस तरीके से डिजीज के साथ जूझते हैं. यू नो इट डेफिनेटली हेल्प यू बी मच स्ट्रॉन्गर एंड मे बी इवन इफ यू डू फॉल सिक यू बी एबल टू रिकवर एंड रिकूपरेट मच फास्टर देन द अदर पीपल. एंड आई से दिस आउट ऑफ एक्सपीरियंस. सो योगा विल ऑल्सो डेफिनेटली हेल्प यू. सो विथ योगा, अगर आप योगा कर रहे हैं और अगर आप गंद खा रहे हैं तो यू नो योगा ऑल्सो कैन हेल्प यू. तो रोग, अगर आप रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो योग करें. और इसके साथ अगर अच्छे डाइट का मिश्रण हो आपकी जिंदगी में तो आप एक बहुत ही हेल्दी और वेलनेस से भरी लाइफस्टाइल जी सकते हैं. सो टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ वर्कआउट यू मस्ट वार्म अप. तो मैं शुरुआत करती हूँ और ये जो मैं आज वर्कआउट दिखाऊंगी आपको वो सिर्फ आज के लिए नहीं है. ये तो अच्छा मौका था कि मुझे पता है घर पे बैठे बैठे सब लोग बहुत बोर हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें योग. अंताक्षरी से ही नहीं एंटरटेनमेंट होता, योग से एंटरटेनमेंट तो नहीं होगा लेकिन यू विल डेफिनेटली फील मच बेटर. And if you feel much better,
you will look much better and then people will find you more entertaining, trust me. So anyway, so for starters, just make sure that, you know, start moving your wrists, move your ankles, clockwise, anti-clockwise, 5 times, okay, ankles. हम घर पे बैठे बैठे इतने बोर हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें. बस दिस इज वन वे ऑफ ओपनिंग अप योर बॉडी एंड यू नो मेकिंग श्योर जस्ट मूव फ्रॉम साइड टू साइड. कड़क कुड़क सारी आवाजें सुनाई देंगी अभी आपको, साइड टू साइड, ठीक है. आई होप सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है. नाउ योर वेस्ट, वेस्ट रोटेशन करेंगे, ठीक है. ओनली योर वेस्ट, नॉट योर फुल अपर बॉडी, ओनली योर वेस्ट, सिर्फ वेस्ट हिलना चाहिए. 5 बार टू योर लेफ्ट, 5 बार टू योर राइट. पूरी बॉडी नहीं हिलाए, सिर्फ अपने वेस्ट को हिलाए. वेरी नाइस. नाउ वी गो अप टू आवर नेक, स्टैंड स्ट्रेट टू योर राइट, सेंटर टू योर लेफ्ट, सेंटर टू योर राइट, सेंटर to your left, center to your right, एक last बार और stretch करें. Very good. अब ऊपर और नीचे, up, down, try to touch your chin to your chest, up, down, up, down, सीधे. Now we do neck rotation towards your right. You start, rotate, side down, side up, side down, side up, उल्टा दूसरी तरफ, साइड डाउन साइड अप, साइड डाउन साइड अप. ग्रेट. ओके, नाउ वी डू अ स्पाइनल ट्विस्ट. दोनों हाथों को सामने रखिए एंड ट्विस्ट एज मच एज यू कैन. ब्रीदिंग, नाइन टेन, सामने, breathe in, breathe out, sideways, सामने. अब हम बाधहस्तासन करेंगे, stretch up, पूरे तरीके से stretch करिए और हाथों को जमीन पे टच करने की कोशिश करिए. हेड डाउन, ब्रीदिंग कॉन्स्टेंट. क्या बात है. अब आहिस्ते से ऊपर आइए, हाथ ऊपर, साइडवेज टू योर साइड. एक और बात करते हैं, हैंड्स अप, डाउन. क्या बात है. इस एक्सरसाइज से इट एक्चुअली स्ट्रेचेज योर hamstrings, your leg muscles, and improves your blood circulation. In sense,
extra blood to your face and it removes all the stress and it refreshes you. Come up. Up. Down. It's a fantastic exercise, isn't it? Now, इस सिचुएशन से जूझने के लिए वॉरियर बनना पड़ेगा तो व्हाई नॉट डू द वॉरियर पोज. ठीक है, वीर भद्रासन करते हैं. 3 feet अपार्ट योर फीट, पहले राइट की तरफ टर्न, हैंड्स अप एंड बेंड. ब्रीथिंग कॉन्स्टेंट होनी चाहिए. सीधे हैंड्स टू योर साइड, सामने लेफ्ट की तरफ, हाथ ऊपर, लंबी सांस लें, पीछे की तरफ. ब्रीथ. Hands on the side. ये exercise जो है it opens up your chest, your lungs, and as we know, the coronavirus that we're talking about currently, really ये lungs पे बहुत हावी होता है. And you have to make sure that your lungs are strengthened. You know, you open your ribcage up completely, and this only comes from practice. तो ये exercise बहुत जरूरी है, especially in these times. Now, we do some sitting exercises. इतना वक्त नहीं है हमारे पास, we just have half an hour. तो मैंने बस 2-3 ऐसे exercises निकाले हैं जो वाकई में इस situation में will help you relieve your stress and also strengthen your immunity. अब हम करेंगे गोमुखासन. ठीक है, अपने left पैर को पीछे की तरफ, right पैर को उसके ऊपर. This is an amazing asana for your legs. It strengthens and stretches your thighs, shoulders, chest, deltoids. You can actually feel it. And it helps you also relieve your stress from your cervical, you know. Jo log abhi kar sakte hain, take your right hand behind, left hand from the back and hold it. Breathe. Okay. To show you how it's supposed to be clenched, abhi ulta taraf se karte hain. Take your right underneath, left on top. Take your left hand up. Breathe. I hope you saw it. Okay. अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येन्द्र आसन. As you can see, it's very, very simple. Right leg in front, left leg you keep here. Take your right hand, place it at the back of your spine. कुछ लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं. And if you are flexible enough, try and hold your ankle. Spine straight. This is a great spinal twist. They say you are as old as your spine. Breathe. Loosen and do it from the opposite way. For all those who can't hold your ankle, you can keep your hand locked at DJ. Yes. Breathe. Breathe. Nazar piche ki taraf honi chahiye. Back up straight.
actually sends oxygen to your lungs. And again, this is a great exercise to strengthen your lungs. It relieves all the stiffness from your hips as well. It's really wonderful. Okay, then वैसे तो जानु शीर्षासन भी कर सकते हैं, but पश्चिमो तानासन करते हैं, which is try and touch your toes. कॉन्स्टेंट होनी चाहिए. फैंटास्टिक. अप एंड साइड. अब हम वज्रासन में आते हैं थोड़ी देर के लिए. ये सबसे आसान आसन है ना. जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप लेट जुड़े हैं, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ What I did, you really managed to catch. लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ जितने मेरे टिप्स हैं या जैसे मैं अपनी लाइफ को जीती हूँ आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ. एंड आई रियली होप यू कैन टेक फ्रॉम दिस टूडे एंड अप्लाई इट इन योर डे टू डे लाइफ. एंड या इट्स दिस इज द वे आई लिव. सो आसन कर लिए हमने थोड़े बहुत. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन हैं. वैसे तो योग बहुत गहरा है एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू बी एबल टू डू एवरीथिंग. लेकिन प्राणायाम पे मैं ज्यादा ध्यान देती हूँ. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जस्ट कम इन टू सुखासना. नॉर्मली बैठ सकते हैं आप. प्राणायाम का करना बहुत जरूरी है. तो दो तीन प्राणायाम आज मैं आपको सिखाऊंगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर और अब तो हम सभी के पास बहुत ज्यादा वक्त है. ओके, सो प्लीज पुट इट इनटू गुड यूज. अगर आप सुबह सुबह कर सकते हैं नथिंग लाइक इट. लेकिन एम्प्टी स्टमक का होना जरूरी है. तो अगर आप ब्रेकफास्ट खा रहे हैं या लंच के बाद अगर आप कर रहे हैं तो दो घंटे के बाद करें आप प्राणायाम. सो वी स्टार्ट विथ कपालभाति. आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मेंटल हेल्थ टूडे. We're all living such fast-paced lives that we need to understand and think positively. तो जो नकारात्मक सोच है या एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको बाहर निकाल के एक सकारात्मक ऊर्जा के लिए it all begins from here. तो मस्तिष्क को हम साफ करें, हमारे मन को हम साफ रखें. And this is what Kapalbhati does. It cleanses your brain. It's called Kapalbhati. It's a brain cleanser. And it oxygenates your brain. So, take a deep breath. Exhale. तो मैं नॉर्मली 200 करती हूँ लेकिन आज के लिए विल यू जस्ट अराउंड 30. आई थिंक मस्ट अराउंड 50. तो इसके आपको दो सेट करने हैं. यू कैन स्टार्ट ऑफ विद अराउंड 30 इन वन गो. आप एक दो 10 सेकेंड का ब्रेक लेके एक और सेट कर सकते हैं. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज अनुलोम विलोम. यू टेक इन, यू फर्स्ट क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल. एक्सहेल फर्स्टली. Close your right nostril, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. इसे आप कंटिन्यू करिए.
Inhale from the right. Exhale from the left. Inhale, fill your lungs. Empty out your lungs. Fill. Exhale. Surya Bhedana. ये एक और प्राणायाम है जो बहुत जरूरी है. इट स्ट्रेंथन्स योर लंग्स एंड दिस एक्सरसाइज इज अ रियली ग्रेट एक्सरसाइज टू मेक श्योर दैट यू ऑक्सीजनेट यू नो योर मसल्स योर लंग्स एंड यू जस्ट फील हैप्पियर व्हेन यू डू दैट यू नो व्हेन योर बॉडी पार्ट्स आर वेल ऑक्सीजनेटेड यू फील यू नो फार मोर हेल्थियर. So let's do that. Surya Bhedana is when you inhale from the right, exhale from the left. It's very, very simple. Theek hai? Inhale from your Surya Nadi, which is the right. Exhale first. Left nostril ko band karte huye, right se inhale kare. Exhale from the left. वापस दोहराए. इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट. इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट. इनहेल फ्रॉम द राइट, टेक अ डीप ब्रेथ. Exhale from the left. अब हम करेंगे भ्रामरी. हमारे पास बहुत कम वक्त है. I want to share so much with you, लेकिन हम फिर से जुड़ेंगे. I will figure out another day, maybe next Sunday, and let's make this a practice. I'm very happy to do it क्योंकि अब तो बहुत सारा वक्त है मेरे पास. And if I can be of any help to all of you wonderful people, it's my way of gifting good health to all of you. So, अब हम करेंगे भ्रामरी. अपने कान को बंद करिए अपने इंडेक्स फिंगर के साथ और योर थंब एंड कवर योर आईज एंड मेक अ बी साउंड. ठीक है, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ. आंखों को बंद करिए, बंद ही रखें. दोनों हाथों का घर्षण करें. जस्ट रब योर पाम्स टुगेदर एंड प्लेस देम ओवर योर आईज. डू दैट वंस मोर. फील द एनर्जी. प्लेस देम ओवर योर आईज. I hope you're feeling better, more positive, and a lot of people say that you know, for a break, we want to leave the city, or वो बाहर जाना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा peace मिले उन लोगों को. But for all of you, dear friends, I just want you to know that to find peace, you don't have to go elsewhere. It's within you. Find it inside you. ठीक है? आज जनता कर्फ्यू है और काफी दिनों तक आई थिंक ये चलता रहेगा. एंड इट्स द बेस्ट फॉर अस. आई थिंक इट्स द बेस्ट डिसीजन. एंड ऑल्सो इन अ वे मुझे ऐसे लगता है कि ये नेचर का शायद एक तरीका है
रीसेट बटन प्रेस किया है नेचर ने. एंड जस्ट हाउ ब्यूटिफुल इट इज अराउंड यू, इफ यू जस्ट गेट आउट इन योर बैल्कनीज एंड जस्ट सी कितना शांत है. यू कैन एक्चुअली आप यू कैन हियर द बर्ड्स चिरपिंग, यू कैन जस्ट आई लिव ऑन द बीच, आई कैन हियर द वेव्स, देयर इज नो हॉन्किंग. तो कितना अच्छा होता. मुझे ऐसे लगता है कि आज का जो दिन है स्पेशली, जैसे कलयुग में मैं सतयुग वाली जिंदगी जी रही हूँ एंड इट्स सो वंडरफुल. तो बस अपने दृष्टिकोण को बदल लीजिए एंड लुक एट लाइफ नाउ ऑन पॉजिटिवली. दिस टाइम दैट वी हैव गॉट, लेट्स वैल्यू इट, लेट्स स्पेंड इट विद आवर लव्ड वंस. एंड रियली आई फील दिस गिफ्ट ऑफ गॉड. मियान कम कम आज वियान भी दिखाएंगे आपको, हम ओम चांटिंग करेंगे आज. वियान आप करेंगे मेरे साथ, ठीक है? तो वियान और मैं ओम चांटिंग भी करते हैं. तो वियान आज हम आपको दिखाएंगे कि ओम चांटिंग कैसे करते हैं, ठीक है? तो हम करेंगे 7 बार फॉर ईच वन ऑफ आवर चक्रास, ठीक है? गेट इनटू ज्ञान मुद्रा, टेक अ डीप ब्रेथ इन. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. आत्म नमस्ते फ्रॉम मी. एंड आई वुड से अ बिग थैंक यू टू राज माय हस्बैंड फॉर अरेंजिंग दिस एंटायर थिंग, क्योंकि आज और कोई आके हमारे लिए सब सेटअप नहीं कर पाए. बट आई होप यू गाइज एंजॉय लाइफ. एंड लास्टली आई जस्ट लाइक टू से व्हाट वी सपोज टू से वियान, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय.